ये समाज के अंदर सुचिता है, इसकी चिंता करता है, तो ये समाज के चौकीदार है। वैसे समाज के चौकीदार वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय अरविंद चौकीदार जी हमारे बीच में उपस्थित है। आदरणीय रमेश मंडोला जी देख रहे हैं, ये भी चौकीदार है और आप देखते हुए चौकीदार हो कि तीन राज्यों में सबसे ज्यादा मतों से जीतते हो, कि जनता मानती है कि हमारा चौकीदार सबसे अच्छा चौकीदार है और इसलिए आपकी चौकीदारी पर तो जनता की मोहर है। मैं सबसे पहले आदरणीय अरविंद चौकीदार जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि सब चौकीदार बंदों के बीच में अपने विचार प्रकट करें। आदरणीय चौकीदार जी, माननीय कैलाश जी, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी, इस क्षेत्र के विधायक रमेश जी, मंच पर उपस्थित चौकीदार बंधुओं, ये जो चौकीदार शब्द था मोदी जी ने इसके इतने मान बढ़ा दिया है, इतना महत्व बढ़ा दिया है कि प्रत्येक देश का वह व्यक्ति जो देश के लिए और समाज के लिए और राष्ट्र के लिए सोचता है उसको अपने आप को चौकीदार कहलाने में गर्व महसूस हो रहा है। शायद तो ये शब्द ऐसा होता था कि कहीं कहीं गेट के ऊपर खड़ा होकर 12 घंटे अपनी ड्यूटी खड़ा होकर दे रहा है, तो कोई आगे जाने वाले व्यक्ति को पूछताछ करने वाला कोई व्यक्ति है, कोई रजिस्टर में 4 नाम भरने वाला व्यक्ति है, इतना मात्र उसकी पहचान बनाकर लोगों ने रखा था। लेकिन मोदी जी ने बता दिया कि जो सजग है, सतर्क है, सतत जागरूक है, चौतरफा जिसका ध्यान है, किसी भी प्रकार से कोई गलती नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से कोई अनहोनी नहीं होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं करे, ऐसा जो ध्यान रखकर अपने स्थान पर डटा हुआ है, जो जहां पर है वतन के काम पर है, इस प्रकार का संदेश देश के प्रधानमंत्री ने देने की कोशिश की। आप शायद 12 घंटे जागते होंगे, लेकिन मोदी जी के बारे में कैलाश जी बता रहे थे एक बार एक बैठक में 18-18 घंटे ड्यूटी करते हुए इस देश के लिए 18 घंटे जगते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, उनके बंगले में रहने वाले जो सुरक्षा गार्ड होते हैं वे भी पता नहीं कर पाते हैं कि ये चौकीदार देश का कब सोता है और कब जगता है। कोई व्यक्ति अपने आप को चौकीदार कह सकता है जो उस रूप में अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। हरेक कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए जब उन्होंने कहा कि मैं चौकीदार हूं तो शायद किसी ने उनकी खिल्ली उड़ाई, हंसी उड़ाई और उनके इस शब्द को मजाक का पात्र बना दिया। लेकिन इस महीने के 16 तारीख को उन्होंने कहा कि आप इसको हंसी का पात्र बना रहे हैं, चौकीदार को जो इतना सजग और सतर्क रहता है, निरंतर लोगों की सुरक्षा करने में और देश की सुरक्षा करने में, समाज की सुरक्षा करने में जागरूक रहता है, इस पद को मैं इतना बड़ा बना दूंगा कि सामने वाले जो बोलते थे चौकीदार की हंसी उड़ाते थे, उनको भी लगेगा कि एक छोटी सी बात को हमने ऐसा बोल बोल के सोच रहे थे कि उनकी आलोचना करेंगे, लेकिन इतना बड़ा पद हो गया कि वे चोर और छुपते हुए फिर रहे हैं। और इसलिए आज के इस चौकीदार के कार्यक्रम में आप सब लोग आए और वास्तव में सम्मान नहीं हो, सब अपने अपने देश में आए। मेरे सामने दो बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं, शायद उनका जीवन का अधिकांश समय इस सतर्कता के साथ में गया और आज भी यहाँ पर आकर सामने बैठे हैं और एक बार भी हलचल नहीं की कि कोई पानी की बोतल आई या कुछ आया तो मैं अपने स्थान पर जगह छोड़ देने, प्रेरणा का काम कर रहे सब जवान चौकीदारों को भी। इसी प्रकार से हम देश में सतर्क और सजग रहे और आने वाला जो चुनाव है, इस सतर्कता की बात हमको चुनाव में भी बताना है कि हमको ये मोदी जी फिर से क्यों चाहिए, ये भाजपा की सरकार फिर से क्यों चाहिए, कि प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान, प्रत्येक व्यक्ति की चिंता, प्रत्येक व्यक्ति का विकास, उसके कारण देश का विकास, सबका साथ, सबका विकास। जय हिंद, जय भारत।